हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक बहुत बड़ी बिकवाली देखने को मिली है यस बैंक में। किसने बिकवाली करी है और हमें हाल फिलहाल में जब 13 रुपए का ये शेयर है तो खरीदारी का यहाँ पर मौका है कि नहीं, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ, अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यस बैंक का शेयर जो है वो 13 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में ये लगातार नीचे की तरफ आया, 14% की गिरावट है। का देखिए, टूट ही रहा था, बाद में रिजल्ट से पहले की थोड़ी सी तेजी आई, लेकिन नतीजे उतने बुरे आ गए कि शेयर एक तरफा बड़ी गिरावट लेकर बैठा है, संभलने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 52% की गिरावट है। 30 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया था, और ये 30 रुपए के लेवल से टूटने की शुरुआत तब हुई थी जब शेयर 26 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था और 12-13 रुपए के आसपास बैंक ने एफपीओ लॉन्च किया था। अब आप खुद सोचिए कि 26 रुपए का शेयर अगर आपको 13 रुपए के ऊपर मिलेगा तो डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, लोग बिकवाली करेंगे। और वही देखने को मिला, लोगों ने बिकवाली करी और एफपीओ में अप्लाई कर लिया। बाद में जैसे एफपीओ खत्म हुआ, शेयर में डेफिनेटली 12 रुपए से नीचे शेयर टूट गया था। दोबारा बड़ी रैली बनी क्योंकि अच्छी खासी फंड रेजिंग एफपीओ के थ्रू हुई थी। सक्सेसफुली उन्होंने फंड रेजिंग करी थी तकरीबन 15,000 करोड़ की, लेकिन बाद में शेयर फिर से टूटा, फिर एक बड़ी रैली आई। लेकिन उसके बाद जो दिक्कत शुरू हुई वो यहां से शुरू हुई। दिक्कत शुरू होने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि सबसे पहले जो रिजल्ट्स आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। 150 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने कमाया जरूर था, लेकिन तभी पता लग गया कि भैया जो इनकी बैलेंस शीट है उसमें कहीं ना कहीं एनपीए ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोन जो बांटे गए हैं वो रिकवर नहीं हो रहे हैं, और कोरोना की वजह से और ज्यादा तकलीफ इनको झेलनी पड़ रही है। शेयर टूट के बिखरने लगा, लेकिन फिर भी खुद को संभाले रहा ये। लेकिन फिर से एक बड़ी गिरावट अभी आई जब दोबारा इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, और भाई साहब एक बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने अपनी बैलेंस शीट पर दिखा दिया और शेयर टूट के बिखरना शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो शेयर अभी भी आप देख सकते हैं कि 13 रुपए के करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना के चल रहा है। अब देखिए, इससे पहले भी शेयर टूटा है, लेकिन 13 रुपए के करीब हर बार इसने खुद को सस्टेन करने की कोशिश करी है। 12.5 और 13 रुपए का जो सपोर्ट लेवल है वो एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। ये आप मान के यहाँ पर चल सकते हैं कि 12.5 रुपए का सपोर्ट एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर उसको तोड़ेगा तो थोड़ी और नीचे आपको करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है ऊपर जाने के चांसेस जरूर है इस शेयर के। लार्ज कैप शेयर है ये, 33,323 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 13 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हो रही है। एक बड़ी खबर जो आज के दिन में देखने को मिली है वो यही है कि बे ट्री इंडिया होल्डिंग्स ने यहाँ पर तकरीबन 2% की होल्डिंग यस बैंक में बेच दी है, वो भी ओपन मार्केट में। अब देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स है ये बे ट्री इंडिया होल्डिंग लिमिटेड। उन्होंने 2% की जो स्टेक यस बैंक में उनकी थी उसको इन्होंने ओपन मार्केट में ही बेच दिया। कुल मिलाकर इनके पास यस बैंक के जो शेयर्स थे, टोटल होल्डिंग थी, वो 7.48% की थी, जिसमें से अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2.08% की जो होल्डिंग है वो इन्होंने बेची है 6 जनवरी से लेकर 6 मई के बीच में। टोटल 52 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स इन्होंने बेच दिए हैं। और अभी अगर हम बात करने जाए इस बिकवाली के बाद, तो अभी भी इनके पास 5.40% की होल्डिंग है, मतलब 7.5% की होल्डिंग थी, तकरीबन 2% के आसपास की होल्डिंग बेच दी उन्होंने, और अभी भी 5.5% की होल्डिंग अभी भी इनके पास है और उसको ये लोग लेकर चल रहे हैं। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हालांकि बे ट्री इंडिया होल्डिंग ओन्ड टाइटन, मतलब टिटन पार्क जो है वो काफी बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं, और 7.48% की जो होल्डिंग थी उसमें उनको 187 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स मिले थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 52 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेच दिए हैं, 2% की होल्डिंग बेची है, लेकिन अभी भी 5.5% की होल्डिंग है इनके पास। इसी तरीके से एक्सिस बैंक ने भी पिछले हफ्ते, जब मैंने
आपको अपडेट बताया था कि एक्सिस बैंक ने भी यहाँ पर बड़ी होल्डिंग बेची थी, और जैसे ही वो होल्डिंग बेची थी वीडियो बनाकर मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि एक्सिस बैंक ने भी यहाँ पर बड़ी बिकवाली करी है। काफी ज्यादा शेयर्स एक्सिस बैंक ने बेचे थे, तकरीबन 10 करोड़ 85 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स उन्होंने बेचे थे एक्सिस बैंक ने, लेकिन अभी भी उनके पास 50 करोड़ के आसपास के शेयर्स है यस बैंक के। देखिए यहाँ पर यही है, बेची होल्डिंग जरूर है लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग ये लोग कैरी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो शेयर होल्डिंग में 13.77% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 5.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 30% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 29.12% के आसपास है। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, गिरावट यहाँ पर और ज्यादा देखने को मिल सकती है, बाइंग करना रिस्की है यहाँ पर। ठीक है, एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूं कि भाई साहब रिस्की है बाइंग, जब तक 12.5 का लेवल मेंटेन करके चल रहा है तब तक आप कह सकते हो कि चलो ठीक है ये अपने आप को मैनेज कर रहा है, लेकिन जिस दिन वो लेवल टूटा थोड़ी बहुत आपको और ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखे तो 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा टूट चुका है ये शेयर, अब इससे ज्यादा क्या ही टूट जाएगा। ये यहाँ पर हम देखें तो रेवेन्यू जो दिक्कत यहाँ पर आई वो मार्च क्वार्टर में थी, 4,000 करोड़ से भी कम के रेवेन्यूज इनको इन लोगों ने जनरेट किए, लेकिन प्रॉफिट अगर हम देखें तो भाई साहब नुकसान ज्यादा था, तकरीबन 3,800 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया, और यही वजह थी कि शेयर अभी एक बड़ी गिरावट में लेकर बैठा हुआ है और संभल नहीं पा रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी हमें समझनी होगी कि यस बैंक कोई डूबने वाला बैंक नहीं है। देखिए गिरावट शेयर में आ रही है, काफी लोग कहते हैं कि यार क्या यस बैंक डूब जाएगा, तो जी नहीं, अगर डूबना होता तो भाई साहब पिछले साल ही ये डूब गया होता, सरकार ने अपना इतना वक्त और रिसोर्सेज आरबीआई ने जो बर्बाद किया है वो नहीं करते, लेकिन यस बैंक डूबने वाला बैंक नहीं है और यस बैंक को हमेशा बचा लिया जाएगा। इतना जब कोशिश करी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो आने वाले वक्त में भी इसको बचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि फंड रेजिंग इन्होंने अच्छी खासी कर ली है, अभी भी 10,000 करोड़ की एक और फंड रेजिंग यहाँ पर हो सकती है यस बैंक में, और देखिए यस बैंक के जो पुराने बैड लोन्स है उसको रिकवर करने का भी कामकाज हो रहा है, उसके जो बैंक के एमडी है उन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बैड लोन्स है उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं, देखो यस बैंक की जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी यस बैंक क्राइसिस हम सबने देखा, उसमें यही था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिया गया, अनिल अंबानी ग्रुप की कई सारी कंपनियों को लोन दिए गए हैं, जी ग्रुप की कंपनियों को लोन दिए गए जो आज तक रिकवर नहीं हो पाए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अब अपना जो गियर है उसको चेंज किया है, उन्होंने बिजनेस लोन को ज्यादातर बांटना कम कर दिया है, उनका जो मेन फोकस है वो अब रिटेल पोर्टफोलियो है, मतलब आप और हमारे जैसे लोग, हम लोग का जो लोन का अमाउंट होता है वो छोटा होता है और रिकवरी रेट जो होता है बैंक का वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि भाई साहब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और अगर हमको बैंक लोन देती भी है तो साथ में गिरवी के लिए कुछ रखती भी है, अगर होम लोन है तो भैया घर के पेपर उन्हीं के पास रहेंगे, अगर नहीं चुकाओगे तो भैया घर नीलाम करके पैसा वसूल कर लेंगे वो लोग। तो रिटेल पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा फोकस करने का प्लान है यस बैंक का, बड़े बड़े बिजनेस लोन है उसको अब कम ही देंगे, लेकिन हाँ छोटे एमएसएमई जो है मतलब छोटे उद्योग जो है उसको जो लोन की जरूरत होती है, जैसे कि 3 करोड़ हो गया, 5 करोड़ हो गए, वो देने का काम ये बैंक कर रही है अब, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है, पुरानी गलतियों से बैंक सीख रहा है, लेकिन देखिए जो दिक्कत इनकी लोन बुक में है वो ओवर द नाइट खत्म तो नहीं होगी, उसके लिए वक्त लगेगा और लंबा वक्त लगेगा, और यस बैंक के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप यहाँ पर खरीदारी तभी करिए, देखिए हर गिरावट में खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर, लेकिन खरीदारी आप तभी करिए जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो यहाँ पर 2 या 3 साल का वक्त देने के लिए, अगर आप 2-3 महीने के लिए आए हो तो भाई साहब ये शेयर आपके लिए नहीं है, पता चला कि 2 महीने बाद भी ये शेयर इसी प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप 2-3 साल का वक्त देते हैं तो जरूर जरूर एक बड़ी रैली जब आएगी तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे, कि देखिए हर क्वार्टर में तो बुरे नतीजे नहीं आने वाले हैं,
इस क्वार्टर में काफी बड़ा लॉस दिखा दिया है। हो सकता है कि जून क्वार्टर जो है वो अभी भी थोड़ा सा खराब आ सकता है इसका, क्योंकि कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो और बड़ी है और खतरनाक है, जो इनको थोड़ी सी दिक्कत पहुंचा सकती है, और जो पुरानी लोन बुक है वो अभी भी थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है। लेकिन डेफिनेटली 2-3 क्वार्टर के बाद आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो इनिशिएटिव पिछले 1-1.5 साल से ले रहे हैं ये लोग, उसका असर आपको डेफिनेटली ओवर द टाइम नहीं देखने को मिलेगा, वक्त लगेगा लेकिन देखने को जरूर मिलेगा। 2-3 क्वार्टर बाद आपको यस बैंक के नतीजे अच्छे देखने को मिलेंगे और तेजी की शुरुआत। और देखिए, मार्केट हमेशा 2-3 महीना आगे का प्रिडिक्ट करके चलती है। जिस दिन पता चला कि हाँ भैया थोड़ा सा अच्छा सुधार हो रहा है यहाँ पर, याद रखिए एक बड़ी रैली आएगी और उस रैली में ये शेयर अच्छे खासा पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी तो बॉटम कहाँ बनेगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि अभी शेयर 13 रुपए के आसपास है, 12 पर भी जा सकता है, 11 पर भी जा सकता है, लेकिन हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हैं और उस मौके को छोड़िएगा मत आप यहाँ पर। अगर आपको 1,000 शेयर खरीदने हैं, 300 शेयर खरीद लीजिए अभी इस प्राइस पर। अगर 1 रुपए नीचे गिरता है और 300 क्वांटिटी ऐड करिए, 1 रुपए और नीचे गिरे और 300 क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप प्ले करके चलिए, कम से कम 3-4 साल का प्लान लेके चलिए। शॉर्ट टर्म का प्लान है तो अगेन मैं कह दूं कोई चमत्कार नहीं होने वाला है शॉर्ट टर्म में, लंबा वक्त लगेगा इसको रिकवर होने में। तो अगर आप लंबा वक्त देने को तैयार हो तो ही खरीदारी करिए, अगर 2-3 महीने के लिए आए हो तो भाई साहब यस बैंक को सीधे सीधे अवॉइड कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।